नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बन रही हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में आयोजित मेडिटेशन एंड मेंटल हेल्थ कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ध्यान और योग से तनाव दूर होता है, हमें ध्यान और योग दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आयोजित मेडिटेशन एंड मेंटल हेल्थ कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल को 47 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से 2 डिग्री दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1970 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। प्रारंभिक पढ़ाई रोहतक से हुई थी। ये शताब्दी समारोह के अंतर्गत जो आज का कार्यक्रम है, जिसको हर घर ध्यान अभियान इसका नाम दिया गया है, मैं इस अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मुख्य विषय को शुरू करने से पहले मन में मेरे जो एक आज जो उद्गार प्रकट हो रहे हैं, वास्तव में जो अपने मन का अपनेपन का जो भाव यहां विश्वविद्यालय में आने के बाद स्वाभाविक रूप से भी हो रहा था, लेकिन जिस प्रकार का वर्णन किया गया है उसमें वास्तव में मुझे वो पुराने दिन जो याद आए हैं। 1975 में मैंने यहां से ग्रेजुएशन की थी, आज से 47 साल पहले। संदर्भ ऐसा बना कि मैं अपने बचपन के प्राइमरी स्कूल में भी गया हूं, मैं अपने हाई स्कूल में भी गया हूं, रोहतक जिले के दोनों गांव हैं, और मैंने कॉलेज की प्रारंभिक पढ़ाई पंडित नेकराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक से की, वहां भी मैं गया हूं। लेकिन बहुत बार सोचता था, वो तीनों स्थान चूंकि हरियाणा में है, स्वाभाविक आना जाना बहुत है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी जाने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज श्री श्री गुरु रविशंकर जी के सानिध्य में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें मुझे इस रूप में बुलाया जाएगा। मैं आयोजकों का, अपने वीसी साहब का, केपी सिंह जी का, इनका तो आभारी हुई हूं। आप लोगों का जो स्नेह आज मुझे मिल रहा है, इसके लिए आपका भी सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गांव और गलियों में खेलने वाला लड़का कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में क्या करना है। ग्रेजुएशन के दौरान मन बहुत विचलित होता था, लेकिन संघ में प्रवेश के बाद कभी तनाव महसूस नहीं किया। कहता हूँ कि जो भी कुछ आज मैं हूँ, कभी भी मन में सोचा नहीं था कि ये अवसर मिलेगा। छोटे गांव का एक, गलियों में खेलने वाला एक बच्चा, पिताजी के साथ खेतों में काम करते हुए, स्कूल की पढ़ाई में 10 प्रकार की शरारतें की होंगी, कॉलेज में भी पढ़ते समय मन में विचार तरह तरह के आते थे, सबके मन में विद्यार्थी जीवन में आते ही हैं, आगे चल करके क्या करना है। जब ये सोचते थे तो उस समय भी कुछ सूझता नहीं था। धीरे धीरे ग्रेजुएशन हो गई, बीच में कुछ व्यापार करने का भी मुझे अवसर मिला। जिन दिनों में मैंने दिल्ली में ग्रेजुएशन की, तो 8 साल मेरा दिल्ली में भी रहना हुआ, सन 1972 से 1980 तक। संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ संबंध आया,
संघ का प्रचारक हो गया और तब जो उस समय तक की तनावपूर्ण जिंदगी थी उस तनाव में से बाहर निकला। तनाव क्या था? तनाव यह नहीं होता कि क्या करना है, तनाव जीवन में यह होता कि क्या बनना है। यह तनाव की बड़ी बारीक रेखा है, क्या करना है इसमें कभी तनाव नहीं आता। कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, किसी लक्ष्य को प्रेरित होकर के तब कुछ करेंगे, लेकिन अगर मन में बीच में ही आ जाए क्या बनना है तो फिर उस करने के बजाय उस उधेड़ बुन में आदमी लग जाता है कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, तो ये तनाव का कारण होता है। तो जब जीवन में एक दिशा मिल गई कि मुझे ये करना है, क्या करना है, करना है मुझे अपने देश की सेवा करनी है, ये काम, ये बहुत मुश्किल काम नहीं होता। हम अपनी मुश्किलों को पार अगर कर जाएं, बहुत से रास्ते सुगम हो जाते हैं। 1980 का वो दिन जब मैं संघ का प्रचारक बना था, मुझे कम से कम आज दिन तक 42 साल हो गए हैं, कभी तनाव नहीं हुआ, कभी तनाव नहीं हुआ। क्यों? एकदम स्पष्ट है मुझे करना क्या है। उधेड़बुन तब शुरू होती है जब मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, और उसके लिए उधेड़बुन में काम करने के बजाय बनने की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हमने कभी भी चिंता नहीं की। एक ही श्लोक गीता का आधी पंक्ति काम कर गई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि तनाव से निकलने के लिए हर घर ध्यान जैसा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान और विचार करने से दिशा मिलती है। ध्यान और योग तनाव से बचाव का एक जरिया है। मनुष्य निर्माण पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। संत समाज हमेशा जिंदगी में सही मार्ग दिखाते हैं। जिस बात के लिए आज हम विचार कर रहे हैं वो सामान्य जन जो है जब तनाव में फंसता है तो उसमें से बाहर कैसे निकलना। तनाव में नहीं फंसा जाए ठीक है, लेकिन अगर तनाव में फंस गए तो बाहर कैसे निकलना। बाहर निकलने के लिए एकमात्र वो मार्ग है जिसके लिए आज का यह व्याख्यान है, हर घर ध्यान अभियान। एक ही रास्ता है, आप ध्यान करेंगे, आप मन में विचार करेंगे तो तनाव से दूर होंगे। अब ये कठिन काम है, आसान नहीं है, क्योंकि ध्यान करने के लिए हमारे ऋषि मुनि योगी ध्यान की उस सीमा तक चले गए, घंटों घंटों ध्यान करते हैं, अपने जीवन के कुछ कोटि की श्रेणी का उन्होंने बनाया अपना। मैं कोई उस विषय पर आधिकारिक तौर पर बोलने का अधिकारी नहीं हूं, गुरुजी बोलेंगे उस विषय पर, लेकिन मैं अपने अनुभव बता रहा हूं कि उन अनुभवों में हमको अपने प्रारंभिक जीवन में एक दिशा अगर तय कर लेंगे तो आगे इन बीमारियों से बचेंगे। रोग है, ये भी एक रोग है, तनाव का मानसिक रोग, इसमें से बचने के लिए ध्यान योग आध्यात्मिकता इसको हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। संयोग ऐसा है कि पश्चिमी जो इस समय आधुनिकता है, इस आधुनिकता ने आध्यात्मिकता को मानने से इनकार किया है, लेकिन हमारा कहना है इस देश की प्राचीन इतिहास ये रहा, हमारे देश की देन है कि योग और ध्यान करने से तनाव दूर होते हैं। आज विज्ञान का युग है, विज्ञान का युग हमें वेपन बनाने की विधि बताता है, विज्ञान से मानव उपकार हो सकता है, लेकिन यदि हमने अपनी सूझबूझ से काम नहीं लिया, हमने अगर संतुलित होकर के काम नहीं किया तो यही वेपन ये विध्वंस का कारण बनेगा, और अगर हमने ठीक से सोच समझ करके इसका उपयोग किया तो ये शांति पैदा करेगा, शांति कायम करेगा। तो इसलिए इन चीजों की ओर आगे बढ़ने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा संत समाज का एक जो वर्ग है वो समाज को ठीक दिशा में लगातार देने में लगा हुआ है, आज से नहीं, इतिहास भरा पड़ा है। और हमने तो हरियाणा सरकार में
सामान्यतः सरकारों के बारे में कहा जाता है कि सरकारें बनती हैं वो कुछ विकास का काम करेंगी, कुछ निर्माण का काम करेंगी, लेकिन उस निर्माण में केवल एकांगी भौतिक निर्माण को ही देखते रहते हैं कि सरकार आई है, उसने सड़कें बना दी, स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, यूनिवर्सिटी बना दी, अस्पताल बना दिए, या कोई वायुयान बना दिए, चांद तक चले गए। लेकिन एक बड़ा निर्माण जिसकी ओर शायद सरकारों का अभी ध्यान काफी जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूं एक दशक पहले तक यह ध्यान कभी नहीं गया, और वो निर्माण है मनुष्य निर्माण। मनुष्य निर्माण यह भी एक निर्माण है। इस मनुष्य निर्माण के संस्कार कैसे दिए जाए, शिक्षा में नैतिकता का पुट कैसे डाला जाए, इतिहास की वो अच्छी बातें कैसे पढ़ाई जाए, और उन संतों महापुरुषों के प्रति सम्मान का आदर का भाव रख करके हम अपने पाठ्यक्रमों में कुछ जोड़ सकते हैं क्या? लेकिन ये जो आधुनिकता वाले जो लोग हैं ये कहते हैं ये तो सब बेकार है। हमने कुछ करना शुरू किया है, संयोग से ये श्रीमद् भागवत गीता का ग्रंथ जिसका अभी अभी वाइस चांसलर साहब ने हमको सम्मानित भी किया, गुरु जी को सम्मानित किया। ये गीता ग्रंथ अपने आप में अगर देखते हैं तो जीवन का एक सार, जीवन मूल्यों का सार ये इसके अंदर भरा हुआ है। और इतिहास जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को ये गीता का संदेश दिया। युद्ध चल रहा है, युद्ध की तैयारी हो रही है और गीता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, और वो गीता आज मैं कह सकता हूं कि पूरे दुनिया के लिए सार्थक है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार ने मनुष्य के चरित्र निर्माण पर ध्यान दिया है, पूरा विश्वास हमारा परिवार ही हमारी संस्कृति। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र में दिए गए गीता का संदेश में कहा गया है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जो संदेश आज से 5000 साल पहले हमें यहाँ बताया गया, आज दुनिया इस अशांति के माहौल में उधर आगे बढ़ रही है, भारतवर्ष से कुछ प्राप्त करो, भारत शांति का रास्ता बता सकता है। और मेरा तो सौभाग्य, हम हरियाणा के लोगों का सौभाग्य तो मानता हूं कि गीता का संदेश उस हरियाणा की धरती पर थानेश्वर कुरुक्षेत्र में दिया गया। आठ वर्ष पूर्व जब हमने शासन संभाला तो गीता का कोई प्रचार प्रसार का कार्यक्रम नहीं था, छोटा सा एक कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के दिन कर दिया जाता था। हमने कहा नहीं, इसका प्रसार विचार प्रसार करना चाहिए। हमने पूरे हरियाणा में गांव-गांव में जिला केंद्रों पर सब जगह गीता जयंती के कहीं 2 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के कार्यक्रम, कुरुक्षेत्र में तो 18 दिन का कार्यक्रम होता है गीता जयंती का, और फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए दुनिया के देशों को बुलाना शुरू किया। अब इस समय हर वर्ष कम से कम 25 से 30 देशों के लोग गीता जयंती के कार्यक्रम में आते हैं। डिमांड शुरू हुई कि भारत में ही क्यों गीता जयंती के कार्यक्रम विदेशों में करने चाहिए। उसके बाद मॉरिशियस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम तो अगले ही महीने होने जा रहा है, यूके, और अब कई स्थानों पर गीता के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है। इसके लिए लोग जानने के इच्छुक हैं ये क्या है। मैं गीता पर नहीं बात करूंगा, मैं तो इतना ही कर रहा हूं कि जो हमारी आध्यात्मिकता है, हमारा ज्ञान है, हमारा दुनिया को दिखाया हुआ एक मार्ग है। कुछ लोग कहते हैं कि पास्ट को केवल सम्मान करो, अगर आगे बढ़ना तो भविष्य की बात करो, पीछे की बात मत करो। हमारा कहना कि हमारा अतीत, वो अतीत भी हमारा ऐसा है, उसमें से अगर हम निकालना चाहें तो न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया में शांति का संदेश हम दे सकते हैं, दुनिया को शांति का संदेश दे सकते हैं। तो मेरा कहने का भाव इतना ही है कि छोटी सोच की बजाय बड़ी सोच बनाने वाले ये जो रास्ते हैं ये हमको लेने हैं। ठीक कहा गया, विश्व ये हमारा परिवार है। अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये बहुत छोटी सोच के लोग काम करते हैं। बड़ी सोच अगर रखनी है, रखने वाले जो होते हैं वो हमेशा करते हैं कि दुनिया जो है ये है जो हमारा पूरा संसार है, ये मेरा परिवार है, और अगर परिवार का मान करके सारी दुनिया को अपने जो हमारा कार्य क्षेत्र उसको सबको परिवार मान करके काम करेंगे तो उस काम का आनंद ही कोई और है। चाहे हमारा विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में काम करने वाले यदि हमारे
जो भी यहां काम करते हैं, चाहे वो अध्यापक प्राध्यापक है, चाहे हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है सब, अगर हमने अपने विश्वविद्यालय को एक परिवार मान लिया तो ये विश्वविद्यालय खूब आगे बढ़ेगा। देश को हमने परिवार मान लिया, देश आगे बढ़ेगा। तो मित्रों भाई बहनों, मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस सब विषय को प्रारंभ में ही अपने जीवन के अंदर हम लेकर के आए कि अभी से ध्यान धारणा योग इसको अपने जीवन में उतारें, जिससे हमारा ये जो रोग है, ये मनोविज्ञान का रोग, तनाव जैसी प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत जो बताया कि दुनिया में अमेरिका जैसे देश में इतने आत्महत्या करने का जो प्रकल्प चलता है, वो तनाव के कारण से वो चीजें, अगर हम प्रारंभ में जीवन के अंदर इन चीजों को अपनाएंगे, कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बाद में हम पछताएं, इसकी बजाय जीवन के अंदर ध्यान धारणा ये अपने जीवन का अंग बनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। हरियाणा प्रदेश ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई उपलब्धियां हासिल की है। मनोहर नीतियों के कारण ही हरियाणा प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आज नागरिकों को सभी सुविधाएं आसानी से मुहैया हो पा रही हैं। अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी बिना किसी रुकावट और अड़चन के सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और इसी कारण आज हरियाणा के कदम 21वीं सदी के सबसे विकसित और समृद्ध प्रदेश बनने की ओर है। जनता टीवी के लिए दिल्ली से वर्ष शर्मा की रिपोर्ट। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुपिंग में शामिल विदेशी मेहमानों को गुरुग्राम में सुखद अनुभव मिला। देश में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक के मेजबान हरियाणा को लेकर अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधि गुरुग्राम में मिले आदर सत्कार और यहां की संस्कृति से बेहद प्रभावित नजर आए। 3 दिवसीय बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक लड़ाई पर मंथन किया गया। रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के 3 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। वहीं पहले दिन हरियाणा ने अच्छे मेजबान के तौर पर विदेशी प्रतिनिधियों को प्रभावित किया, तो वहीं इस बैठक को केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुभारंभ किया था। बैठक के आखिरी दिन DOPT के अतिरिक्त सचिव और G20 SEWG भारत के अध्यक्ष राहुल सिंह और सह अध्यक्ष एवं इटली में हेड ऑफ टास्क फोर्स जियोनमी टार्ट ग्लिया पोलसिनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हरियाणा की संस्कृति की सराहना की, साथ ही आभार भी व्यक्त किया। जियोनी टार्ट ग्लिया पोलसिनी ने बताया कि गुरुग्राम में 3 दिन तक चली इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अथक अपराधियों से संपत्ति की रिकवरी, भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूचना साझा करने में सहयोग के चैनल विकसित करने, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संस्थागत ढांचे और आपसी कानूनी सहायता से संबंधित कई प्रमुख क्षेत्रों पर गहनता से विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में UNODC, OECD, एकमोंट ग्रुप, इंटरपोल और IMF अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने अपने प्रेजेंटेशन दिए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनी में दिखाया गया कि सुशासन की दिशा में हरियाणा सरकार का PPP मॉडल देश भर में अनुकरणीय बना हुआ है और वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर अंत्योदय की भावना से क्रियान्वित योजनाओं की झलक भी नजर आ रही थी। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से वसुधैव कुटुम्बकम एक धरा एक परिवार एक भविष्य के साथ आधारभूत ढांचा विकास का प्रारूप G20 की पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग में देखने को मिला। सूचना लोक संपर्क भाषा और संस्कृति विभाग की ओर से स्क्रीन पर हरियाणा के समग्र विकास यात्रा के वीडियो की प्रस्तुति दिखाते हुए मनोहर सरकार की 8 साल की जन कल्याणकारी योजनाओं की वानगी सामने रखी गई। वीडियो में उन स्थानों का विवरण विजुअल सहित प्रदर्शित किया गया जहां पर विदेशी मेहमानों की विजिट होनी थी, जिसमें गुरुग्राम शहर, हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और प्रतापगढ़ फार्म हाउस झज्जर जैसे दर्शनीय स्थल भी शामिल रहा। प्रदर्शनी स्थल पर हरियाणा प्रदेश की संस्कृति को दर्शाता सेल्फी पॉइंट भी आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा, जहां विदेशी धरा से पहुंचे मेहमानों ने उत्साहपूर्वक फोटो सेशन भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 8 साल के जनहितकारी और कल्याणकारी नीतियों से सराबोर कार्यकाल में हरियाणवी संस्कृति का समावेश भी देखने को मिला। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से आकाश खुराना की रिपोर्ट।
वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा खिलाड़ियों देश विदेशों से अपना परचम लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके लिए मनोहर सरकार खिलाड़ियों को सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए फैसला लेती रहती है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। हरियाणा बजट 2023-24 में खिलाड़ियों को मिल रहा सुविधा का लाभ, कुरुक्षेत्र साइकिलिंग साइकिल वेलोड्रोम तो वहीं करनाल में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की लाभ मिल रही है। चोटिल खिलाड़ियों के लिए मास्टर चंद्रग्राम स्पोर्ट्स की लाभ मिलेगी। हिसार और रोहतक में वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र भी खोला जाएगा। तो आपको बता दें कि हरियाणा सरकार लगातार खिलाड़ियों को लेकर कई नेक पहल की शुरुआत कर रही है, जिससे खिलाड़ी लगातार अपने खेल में प्रदर्शन अच्छा करें, जिससे प्रदेश का नाम रोशन हो सके। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के अवसर किसको प्रदान किया जाता है। इसका सही जवाब है डी, महिलाएं। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं फरीदाबाद से राजेश मेहरा। राजेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं। जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है ओमवीर सिंह, जो कि जिनसे डीएचवी वीएन में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पद पर काबिज हैं। सुनिए। देखिए, योजनाएं तो सरकार ने बहुत चला रखी हैं। अभी पीछे सरचार्ज माफी की स्कीम आई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने बेनिफिट उठाया है। 15 से 20 करोड़ के आसपास सरचार्ज माफ हुआ है दो बारी करके लोगों का। उसके बाद मारा गांव जगमग गांव योजना चल रही है, जिसमें लोगों को 24 घंटे बिजली सप्लाई देने का प्रावधान है। इसके बाद लोगों को जो वोल्टेज की समस्याएं हैं या लंबे फीडर्स हैं, उनसे निजात दिलाने के लिए हमने फीडर्स को बाइफर्केट किया है। और 12 बिजली घर ऐसे हैं पूरे ज़िले में जिनको ऑगमेंट किया जाएगा, जिनमें एडिशनल ट्रांसफार्मर्स लगा के बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। देखिए, जगमग की स्कीम में तो गांव को खुद सामने आना होता है और सरकार तो सारी तरह से तैयार है ही। हम लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं, बट लोगों का सहयोग इसमें अपेक्षित है। देखिए, जगमग सरचार्ज माफी, ऑगमेंटेशन ऑफ सबस्टेशंस के अलावा जींद जिले के आसपास के एरिया में हमने 12 जगह ऐसी चिन्हित की हैं जहाँ पे हम नए बिजली घर बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए सरपंचों से, गांव के लोगों से ज़मीन की हम डिमांड कर रहे हैं। तो सूटेबल ज़मीन हो जहाँ से आवाजाही आसानी से हो सके और थोड़ी सी जहाँ पे लोगों की आबादी है उससे थोड़ा सा बाहर आते हैं कि आने वाले गर्मी के समय में या और आगे तक की हम 5 साल तक की प्लानिंग लेके चल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि बिजली के तार भी बदले जाएं और केबल लगाई जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार बेटी के कन्यादान के लिए कितनी राशि देती है। ए 65,000 रुपए, बी 71,000 रुपए, सी 81,000 रुपए, डी 51,000 रुपए। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी कार्यक्रम जनता सरकार में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।